आप लोगों ने इस वीडियो में क्लिक करा है तो आपका सबसे बड़ा रीज़न होगा कि भाई हमें भी सीएस के अंदर 99 बोया स्ट्रिक बनानी है, बट यार हमारी बोया स्ट्रिक 10 से ऊपर तो जाती ही नहीं। ये प्रॉब्लम सबके साथ है, तो इस वीडियो में आज आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं 3 ट्रिक बताने वाला हूँ सीएस के अंदर हर मैच बोया करने की, और इन 3 ट्रिक को अगर आप ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो आप गारंटी 99 स्ट्रीक आराम से बना लोगे। और आप लोगों ने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, ये पूरे दिन मैच खेल के 99 स्ट्रीक नहीं बना पाते, बिकॉज ये एक कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेलते, वो मैं इस वीडियो में आपको कन्फर्म कर देता हूँ। और प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब की बारिश यहाँ पे करा दो, मैं भी इतनी मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ और तुम्हारी 99 स्ट्रीक पहुँचा रहा हूँ। तो चलो देखो, सबसे ट्रिक नंबर 1 आती है, वो बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। आपको जो पहला राउंड स्टार्ट होता है आपका मैच का, जिसमें आपको मिनी यूएसपी डबल यूएसपी मिलती है शायद, और एक G18 मिलती है, ठीक है, और M500 ये राउंड में रहती है। तो आप लोगों को क्या करना है, M500 लेना है, बाकी की कोई गन नहीं लेनी। M500 लेना है दो प्लेयर को, और दो प्लेयर को लेना है कटाना, ठीक है। मतलब जो कटाना में लोड आउट जो होता है ना, लोड आउट में आपको कटाना मिल जाती है, तो वहाँ पे आप कटाना को ले सकते हो और सीएस के अंदर कटाना यूज़ कर सकते हो। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कटाना कौन से लोड आउट से मिलती है और उसका नाम लिखना है, ओके। तो आप लोगों को फिर कटाना दो बंदों ने लेनी है और दो बंदों ने लेनी है M500, और चारों ने एक साथ जाना है, और जहाँ पे भी बंदा है सीधा उस पर रश मार देगा कटाना वाला, और M500 वाला पीछे से डैमेज देगा। और अगर दोनों M500 वाले हल्के हल्के डैमेज भी देंगे ना, तो 100 का डैमेज लगेगा दोनों अगर एक साथ मारे तो। और जो कटाना वाला मारेगा उसका तो भाई 45 हेड जो 85 ऐसा कुछ का लगता है, और हेड तो भाई 800 का लगता है। अब तुम समझ जाओ कैसे मरेगा वो बंदा। और जो दूसरा कटाना वाला है वो उस कटाना वाले के साथ ही रहना, और आप इजीली इस मैच को, पहला मैच ये होता है कि पहले मैच को आपको कैसे ना कैसे करके जीतना होता है, और आपके 90% चांस होते हैं कि आप अगला मैच भी जीत जाओ। बिकॉज देखो, आप जैसे ये वाला मैच जीत जाते हो तो उसके बाद आपके पास होता है पैसा यानी कॉइन, ठीक है। अगर आपके पास कॉइन ज़्यादा होंगे तभी तो आप अच्छी गन ले पाओगे, और वो मिनी यूएसपी वाले फार्मर्स वालों को आप इजीली हरा पाओगे, और इसी वजह से आप लोग आसानी से अपने यहाँ पे सीएस जीत सकते हो। आप ट्रिक नंबर 2 आती है हमारे करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, और आपका अकेला का करेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं है ये, आपके पूरे स्क्वाड का होना चाहिए। आपके दो बंदे मेंबर के जो भी है उनको रखना है होमर, जो कि भाई नेड करने वाले हैं, और जो नेड वाला अलवारो है, मतलब अलवारो का अवेकन, तो उसको आप रख लेना दो बंदे। तो देखो, दो बंदे रखना होमर, दो बंदे रखना नेड वाला अलवारो। जैसी कोई होमर फेंकेगा आप लोग नेड कर देना, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट जो होती है बंदे की आगे वाले एनिमी की, तो आगे वाला एनिमी मूवमेंट इतनी नहीं कर पाता और वो सीधा डाउन हो जाता है। और अगर कोई बाई चांस आप में अलवारो हयाटू और क्या बोलते हो उसे होमर फेंकता है, तो आपकी मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती होगी। अब आप बोलोगे भाई हम कैसे बचे, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको क्राउच करना है और वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि क्राउच में आपकी मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होती, आपकी सेम वही मूवमेंट रहेगी जो क्राउच में और खड़े होने में सेम मूवमेंट रहेगी, चाहे तुम्हारे ऊपर होमर पड़े या ना पड़े, ठीक है। तो होमर आप लोगों को लेना है। और आगे से देखो, सीएस में जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं ना, आपने देखा होगा तो ज़रूर उसके पास होमर रहता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए आगे वाली टीम के पास होमर रहता है, जो सीएस के ग्रैंड मास्टर मास्टर वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें इस टिप्स एंड ट्रिक का मतलब पता है, और उन्हें पता है कि हमें कैसे खेलना और कैसे कोऑर्डिनेशन में रहना है अपने दोस्तों के साथ। ट्रिक नंबर 3 को जानने से पहले, अभी भी आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग, यार कर दो, इतनी मेहनत से एक वीडियो बनती है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, कंजूसी क्यों दिखाते हो। तो ट्रिक नंबर 3 जानने से देखो, आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, आप लोग इजीली आराम से प्यार से इस मैच को जीत जाओगे, जो कि है हमारा करेक्टर कॉम्बिनेशन से हटके, यानी तुम्हारा बेस्ट रैक फायर बटन। अगर तुम्हें हेड मारने नहीं आते वो भी चलेगा, चाहे तुम बॉडी मारते हो, चाहे तुम नूब के साथ भी खेल रहे हो, तुम्हारा है मेन चीज़ अपने फ्रेंड के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठाने का, यानी अपने दोस्त के साथ एक अच्छे से पार्टनरशिप करने का। अगर आप अपने दोस्त को आसानी से अपनी पार्टनरशिप में करते हो तो आप इजीली उस मैच को जीत सकते हो। और अगर आप वो नूबड़े बंदे या रैंडम प्लेयर से लड़ाई करते हो तो यार आप आराम से अपने मैच को सीधा डिफीट लिखा हुआ आएगा और आप सीधा लॉबी पे। तो इसी के लिए आप हर बंदे से प्यार से बात करके उसके साथ खेला करो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। हाँ मुझे पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जैसे हम एक आध मैच हार जाते हैं, तो इसी के लिए आप लोगों को प्यार से खेलना है, जो उनके साथ रहना है जो कि नूब है, और सारे के सारे चारों के चारों बंदे एक साथ रहना, पूरी स्क्वाड एक साथ रश पेलना, ना कि अलग अलग। अगर आप लोग अलग अलग रश पेलोगे तो यार बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला,
क्योंकि एक बंदा उधर जाएगा तो चार बंदे उधर से आके एक बंदे को पहले मार देंगे, फिर आप लोग डर जाओगे हम तीन है वो चार है, फिर एक और को मार देंगे तब 2v4 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कुछ ही कुछ चांसेस में होता है कि निकल पाए। ठीक है, अब आगे के चार बंदे और तुम दो, तुम तो नहीं मार पाओगे ना, इसके लिए चार बंदे एक साथ रहना। और भाई जो प्रो है वो तो मार देगा, बट यहाँ पे जो चार बंदे होते हैं तो एक वो हो जाता है भाई, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई हो जाता है कि हम आराम से रश पेल के मार सकते हैं। तो यही थी ये वीडियो, तीन टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय और लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।